खबरों में हैदम, सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज देखें। हर खबर कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए 9685369684 पर। तो चलिए देखते हैं आज की। और फिलहाल सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हैं कविंद्र पटेल जी, हमारे साथ हैं। उनके गृहग्राम जो है हम मांद पे हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर पार्टी ने उन्हें क्यों निष्कासित कर दिया, क्यों? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे निलंबित और निष्कासित नहीं किया गया है। केवल मुझे संगठन द्वारा एक महीने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मुझे कांग्रेस के समस्त आयोजनों और संगठनात्मक गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि विभिन्न समाचार चैनलों एवं न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया में जो मीडिया के जो मेरे भाई बंधु हैं उनके द्वारा लगातार खबर दिखाई जा रही है कि मुझे निलंबित किया गया है और निष्कासित किया गया है, जबकि मुझे संगठन द्वारा एक महीने के लिए केवल प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है कि अगर कोई व्यक्ति संगठन में विवादित रहता है तो उसके प्रति पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। विगत दिवस पिछले महीने 14 तारीख की रात्रि में राय ढाबे में जो विवाद हुआ था उसमें मुझे ज़बरदस्ती दूसरे दिन सनल दिवस्ता से सह आरोपी बनाया गया था। इसके 3 दिन बाद ढाबा संचालक द्वारा मेरी झूठी रिपोर्ट करके मुझे मुलजिम बनाया गया, जो मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे माननीय न्यायालय में न्याय मिलेगा यह मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं इस झूठे आरोप से बरी हो जाऊंगा। पर मैं एक बात मेरे मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो लेटर मुझे संगठन द्वारा मिला है वह लेटर सोशल मीडिया में भी है, आप उस लेटर को पढ़ सकते हैं कि मुझे एक महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती ये बार बार देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है कि कविंद्र पटेल को निष्कासित किया गया है, जबकि मुझे एक महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मैं अपनी बात आपके माध्यम से समस्त मेरे मीडिया के भाइयों को के सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो मीडिया को जो है यह बताना चाहते हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ से निष्कासित नहीं प्रतिबंधित किया गया है, वो भी एक महीने के लिए। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक